अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अपने क्लाइंट के हेयर्स पे जो है वो स्टेप हेयर कट कर रही थी, सोचा आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो बना लूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप लोगों को स्टेप हेयर कट से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज वगैरह हैं वो आपको क्लियर हो जाए। और सबसे पहले तो मैंने जो है अपने क्लाइंट के हेयर्स पे जो है ईयर टू ईयर पार्टीशन की, बड़ी नीट पार्टीशन करके आपने, और फ्रंट वाले हेयर्स को आपने जो है वो कैचर कर लेना है और बैक वाले हेयर्स को अलग कर लेना है। और फिर स्टेप बाय स्टेप आप जो देखिएगा 90 के एंगल पे और 45 के एंगल पे मैं जो है इस हेयर कट को करूँगी। तो सबसे पहले आपको जो है टेल कॉम और जो है आपकी सीज़र जो है उसको आपको पकड़ना आना चाहिए। आप देख सकते हैं जो सीज़र है वो मैंने अपनी रिंग फिंगर में और एक थम है इसमें जो है वो उसको लिया, और जो कॉम की डायरेक्शन है वो मैंने किस तरह रखी हुई है कि आपके क्लाइंट के हेयर्स पे जो है वो टेल कॉम की जो टेल है वो उसकी आइज़ पे या उसके फेस के किसी हिस्से पे ना लगे, उसके डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, ताकि आप एक ही हाथ में दोनों चीज़ों को अच्छे से होल्ड कर सकें। फिर अपनी टेल कॉम की मदद से आपने जो है बालों को जो है वो नीट पार्टीशन निकाल लेनी है। और सबसे पहले तो अपने क्लाइंट से पूछ लें उनको कितनी लेंथ जो है कट करवानी है। इनको थोड़ा सा शोल्डर से नीचे अपने हेयर को रखना था, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पे नहीं जाना था। तो अब इनको जो मैं है 45 के एंगल पे इनको जो है वो मैं कट करूँगी, और फिर एंड पे जो है वो मैं नीचे से बालों को बराबर कर दूँगी। और फिर वो मेरे पास एक गाइडलाइन होगी, तो गाइडलाइन के साथ साथ फिर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप लेते हुए ऊपर चलूँगी। अभी आप देख सकते हैं 45 के एंगल पे मैंने बालों की डायरेक्शन को लिया और फिर उसको जो है मैंने 45 पे कट किया। हाफ हाफ पार्टीशन की है। अब साथ ही जो हेयर्स हैं उनको मैं दूसरे वाले हेयर जो अभी कट नहीं किए एज अ गाइडलाइन के तौर पे उसको लूँगी, और उनको उन हेयर्स को भी आपने 45 के एंगल पे लेके जाके उसको जो है वो अच्छे से हेयर कट कर देना है। जैसे कि आपने देखा कि 45 के एंगल पे मैं लेके जाके उनको अच्छे से हेयर कट किया। अब जो है मैं सारे बालों को जो है स्ट्रेट करके, आप देखें टेल कॉम की वजह से 45 के ही एंगल पे उनको ला के दोबारा से उनको जो है वो अच्छे से कट किया। अब ऊपर से जो है वो मैं पार्टीशन लूँगी। आप जो है छोटी छोटी पार्टीशन लेते हुए बालों को उनके साथ ऐड करते जाएं और उनको इसी तरह 45 के एंगल पे उनको कट करते जाएं। अब देखिए मैंने आधे बालों को अलग कर लिया, आधे बालों को अलग कर लिया। अब जो नीचे वाले बाल थे वो ऊपर वाले बालों के साथ मिक्स करके उनको जो है 45 के एंगल पे लेके जाके वो हमारे पास गाइडलाइन होगी उस पर उसके साथ हमने रख के उसको कट कर दिया। अब यहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए नीचे वाले बालों को ऊपर वाले बालों के साथ उनको अटैच किया और नीचे से गाइडलाइन हमारे पास थी तो उसको जो है फिर हमने अच्छे से कट कर लिया। अब इन हेयर्स को ऊपर 90 के एंगल पे लेके जाके इनको अच्छे से हेयर कट करना है। 90 के एंगल पे लेके जाने से जो है वो आपके जो स्टेप्स हैं वो अच्छे प्रोमिनेंट होंगे। 45 पे जो है अगर आपने हेयर कट किया है वो लॉन्ग हेयर्स पे आप 45 के एंगल पे आप कर सकते हैं, शॉर्ट हेयर्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा डीप स्टेप चाहिए तो वो आप 90 के एंगल पे जाके जो है बालों को जो है वो स्टेप दे सकते हैं। अब मैं ऊपर के बालों को भी साथ ऐड करती जाऊँगी और साथ साथ जो है मैं उनकी जो है वो कटिंग करती जाऊँगी। अब मैंने दोबारा से जो है वो पार्टीशन ली, लेके इसी तरह जो बाकी हेयर्स हैं उनको कैचर कर दिया और नीचे वाले बालों की थोड़ी सी गाइडलाइन ली, इनकी भी हाफ पार्टीशन की और नीचे वाले बालों को उनके साथ रखते हुए जो है उनको मैंने कट कर दिया। अब जो जो ऊपर जाती जा रही हूँ 90 के एंगल पे, अब बालों को लेके जाना है मैंने। अब 90 के एंगल पे लेके जाके उसको अच्छे से आपने हेयर कट कर देना है। अब इस तरह दूसरे बालों को भी ऐसे ही नीचे वाले बालों के साथ एज अ गाइडलाइन उनको लेना है लेके, और उनको 90 के एंगल पे जो हमारी गाइडलाइन होगी उसके साथ ही आपने जो बाकी जो बड़े हेयर्स हैं लॉन्ग हेयर्स हैं जो ऊपर आपके हैं उनके साथ उनको आपने कट कर देना है। तो ऐसे एक मर्जिंग सी बड़ी प्यारी सी हेयर कट आएगा और जो है इससे आपके स्टेप भी जो है सही प्रोमिनेंट होंगे।
अब फिर पार्टीशन ले रही हूँ, लेकर जो है नीचे वाले बालों के साथ उनको इसी तरह कट करती जाऊँगी स्टेप बाय स्टेप। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है हर चीज़ जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही आसान तरीके से मेरी कोशिश थी आप लोगों को गाइड करूं ताकि जो है आप लोग अच्छे से जो है इसको सीख सकें। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो, लेकिन यह है कि आप लोगों ने जो है इस कटिंग को अच्छे से देखना है ताकि जो है ना आप लोगों के इस कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। 90 का एंगल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ होता है, और 45 का एंगल जो होता है जिस तरह मैं खड़ी हूँ मेरी तरफ जो एंगल आएगा वो 45 का एंगल है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है वो 90 का एंगल होता है, और जो डायरेक्शन मेरी तरफ आएगी वो 45 का एंगल होगा। और अगर बिल्कुल हाथों को जो है नीचे की तरफ इनके बालों की लेंथ की तरफ रख के मैं कट करती हूँ वो 0 का एंगल होगा। तो ये 45, 90 और 0 का एंगल तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। 0 का एंगल वो होता है जो बिल्कुल आप बालों को उठाते नहीं हैं, उसकी जो लेंथ होती है उस पर रख के आप उसको कट करते हैं, वो 0 का एंगल होता है जिसमें आप स्ट्रेट कट कर सकते हैं। और अगर आपने यू कट करनी है तो 45 के एंगल पे आप उसको लेके जाके उस पर उसको कट करेंगे, शोल्डर लेंथ की तरफ लेके जाएंगे, उस पर भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये सिर्फ जस्ट मैं आपको एंगल समझाने थे कि एंगल जो है वो आप 90 का एंगल जो होता है बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ होता है, और जो 45 का एंगल होता है, आज सिर्फ जस्ट 3 एंगल्स के से रिलेटेड बताऊंगी, ज़्यादा एंगल्स के बताया तो आप लोग जो है वो डबल माइंड हो जाएंगे। तो 0 का एंगल जो है बिल्कुल स्ट्रेट नीचे लेंथ पे जो हेयर्स होते हैं वहीं पे रखे, उसको आपने उसकी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, तो वो आप जो है वो 0 का एंगल होता है। और जब आप बालों को उठा के अपनी तरफ अपनी डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगे तो वो 45 का एंगल होता है, और जब बालों को बिल्कुल स्ट्रेट सीधा ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो वो जो है वो 90 का एंगल होता है। अब बैक का जो है वो सेक्शन हमने स्टेप बाय स्टेप लिए वो कंप्लीट हो गए हैं। अब फ्रंट से जो है क्लाइंट से पूछेंगे कितने उनको लेंथ चाहिए, वो हमारे पास फिर एज अ गाइडलाइन फर्स्ट स्टेप होगा, उसी को लेते हुए फिर हम जो है साथ वाले हेयर्स को भी जो है वो दोनों की ताकि वो पार्टीशन जो है वो बराबर हो जाए और बराबर से जो है दोनों की लेंथ है। अब उनकी जो है वो चिन से थोड़ा नीचे से स्टार्ट किया और फिर जहाँ पे वो हेयर कट ख़त्म हुआ वहीं से ये 45 का जो है एंगल पे हल्का सा जो है वो उसको कट किया। आप इसको भी देखें किस तरह मैं सीज़र को जो है वो जहाँ पे लास्ट स्टेप ख़त्म हुआ था उसी के साथ से फिर दोबारा से मैंने ना सीज़र को लेते हुए नीचे की तरफ आई हूँ। फिर दोबारा गौर से देखिएगा किस तरीके से मैंने जहाँ पे फर्स्ट स्टेप स्टार्ट किया वहाँ से सीज़र को 95 के एंगल पे लाते हुए नीचे की तरफ लाई, जहाँ पे वो स्टेप ख़त्म हुआ अगला स्टेप साथ लिया और वहीं से जो स्टेप ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट लेके नेक्स्ट आगे की तरफ गई। अब ये जो बाल कट किए थे उनको पीछे वाले बालों के साथ 90 के एंगल पे लेके जाके ऊपर उनके साथ मैच कर दिया। अब आप देखिएगा किस तरह जो है नीचे से जो हेयर्स हैं जो लॉन्ग हेयर्स हैं जो उनको जो है वो मैं ट्रिम कर रही हूँ। अब दूसरी तरफ जो है वो इस तरह सेम ऐसे ही करूँगी। अब इसमें आपने बड़े गौर से देखना है किस तरीके से जो है अब इन हेयर्स को साथ वाले हेयर के साथ उनके साथ उनको मैच करना है, जितना उसकी गाइडलाइन होगी उसी को लेते हुए हमने बाकी बालों के साथ उसको लेके जाना है। अब हमारे पास गाइडलाइन आ गई है, अब उसी गाइडलाइन को लेते हुए हम बाकी बालों को कट करेंगे। अब थोड़ी सी पार्टीशन ली लेते हुए 95 के एंगल पे हाथों को थोड़ा सा उठाया और उसको जो हमने साथ गाइडलाइन ली थी वहाँ से स्टार्ट लेते हुए बालों के एंड तक सीजर को चलाते हुए गए, और जहाँ पे वो ख़त्म हुए नेक्स्ट बालों को लिया उसी से फिर आगे नेक्स्ट आगे की तरफ सीजर को चलाते हुए गए। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप बालों को लेते गए और जहाँ पे आपकी बाल ख़त्म हुए नेक्स्ट आगे बालों से वहीं से ही कटिंग आपने आगे स्टार्ट कर देनी है। इससे आपके बालों में छोटी छोटी सी लेयर्स भी आ जाएंगी और साथ में जो है आपके जो है बालों में स्टेप कटिंग भी हो जाएगी, और फिर इन्हीं बालों को फिर ऊपर 90 के एंगल में लेके गए, 90 पे एंगल लेके जाके उनको अच्छे से ट्रिम कर दिया। अब ये फ्रंट वाले हेयर्स को भी ऊपर 90 के एंगल पे लेके जाके उसको अच्छे से ट्रिम कर दिया, और फ्रंट के हेयर्स पे इन्होंने जो है
वीडियो दिखाई थी, उस पर जो इनको पफ चाहिए था, फिर उसके मुताबिक फिर मैंने जो है वो उनका बनाया था। तो अब ये हमारी दोनों साइड से जो है वो फ्रंट की जो है वो कटिंग क्लियर हो गई है। अब हमने बालों को जो है जहाँ 90 के एंगल पे लेके जाके जो देखना है कि अगर कहीं पे भी बाल रह गए हैं उसको 90 के एंगल के साथ उसको जो है वो कट कर देना है। अब मैं साथ साथ बालों को देख चेक करती जा रही हूँ और उनको लाइट लाइट ट्रिम करती जा रही हूँ, शेप देती जा रही हूँ। एंड पे आप देखिएगा कितने अच्छे जो हैं वो स्टेप जो हैं वो विजिबल होंगे आपको। अच्छा, मैंने इनके हेयर्स पे ब्लो ड्राई नहीं किया, ब्लो ड्राई के साथ जो अगर मैं इनकी फाइनल लुक दिखाती तो वो ज़्यादा बेटर थी, लेकिन क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं था कि उनका ब्लो ड्राई करती, तो उनको जल्दी थी तो इसलिए जो है जस्ट सिर्फ कट कर पाई हूँ, ब्लो ड्राई नहीं कर पाई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में ब्लो ड्राई की टेक्निक भी और साथ में जो है हेयर कट की जो है वो सेटिंग भी इंशाल्लाह उसमें मैं आपको बताऊँगी। इसी हेयर कट को आप अगर स्ट्रेटनर के साथ करें वो भी, और इसी के हेयर कट को अगर आप ब्लो ड्राई के साथ करें तो वो भी, दोनों की इंशाल्लाह लुक जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं कितने अच्छे इनके स्टेप्स जो हैं वो विजिबल हो रहे हैं। तो ये आप जो है इनकी फाइनल रिज़ल्ट देख सकते हैं। अभी मैं इनका फ्रंट का जो है वो हेयर कट करूँगी, फ्रंट के हेयर कट के साथ भी जो है फिर आप इनकी फ़ाइनल लुक देखिएगा। आपको विजिबल हो रहा था कितने छोटे छोटे से जो है वो स्टेप जो है स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनके हेयर्स जो हैं वो, और इससे ना आपके बालों का वॉल्यूम भी अच्छा हो जाता है, बड़ा अच्छा सा एक फ्लफ़ी सी लुक आती है। और जिनके हेयर्स बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो वो अगर इस तरह की हेयर कट करवाते तो उनके हेयर जो हैं वो थोड़े से घने लगना शुरू हो जाते हैं, थिक थिक लगते हैं। अब इनकी फ्रंट की हेयर की कट कर रही हूँ, उसकी वीडियो नहीं बना सकी फ्रंट से, तो वो मैं क्लाइंट से पूछा, उनको जिस तरह की हेयर कट चाहिए था फिर उस तरह का उनके मुताबिक किया। तो चले इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है आपको फ्रंट का हेयर कट भी जो है ना वो इंशाल्लाह वो भी बताऊँगी, फ्रंट आप पफ को कैसे सेट कर सकते हैं। तो वो मैंने इनका किया लेकिन उसकी वीडियो नहीं बन सकी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों को स्टेप कट से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज वगैरह होगी आपको अब क्लियर हो गई होगी। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, आप लोगों की क्यूरीज वगैरह जितनी भी होती हैं मेरी कोशिश होती है मैं उसका जवाब दूँ आप लोगों को, और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को जो है ईजी वे में समझाऊँ और आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट में लाजमी कर दिया करें, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के तो मैं उससे रिलेटेड आपकी वीडियोस बना दिया करूँगी। और जो है मेरी कोशिश होती है आप लोगों को इजी से इजी मेथड में समझाऊँ, अगर वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो इसका आप लोग उसको स्किप मत किया करें, उसको लाजमी फुल देखा करें ताकि आपको जितनी भी क्यूरीज वगैरह हैं वो समझ आ जाएँ। तो इंशाल्लाह आगे मेरी वीडियोज़ होंगी हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड होंगी, मेरी कोशिश होगी आप लोगों को बेसिक से एडवांस की तरफ लेके जाऊँ, आपको हर चीज़ का जो है वो क्लियरली बताऊँ। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो है मेरी वीडियो होगी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।